नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उमराकांत काले की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर और धाराएं नहीं बढ़ाने को लेकर सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत, लेकिन वहां भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। 3 महीने होने को आए हैं। 14 जनवरी को राजेंद्र नगर थाने में शिकायत की थी, लेकिन अभी तक पुलिस केवल आश्वासन देती रही कि जल्दी कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक नहीं हुई। शिकायतकर्ता सुभाष आंधले का कहना है कि अब इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। काले नगर निगम पेढ़ी का चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसको लेकर एक आपत्ति भी सहकारिता विभाग में लगाई गई है, क्योंकि काले के ऊपर 420 का प्रकरण थाने में दर्ज है। वहीं जटाशंकर करोसिया ने कर्मचारियों से अपील की है कि राम लाल यादव जी के नेतृत्व में जो जय हिंद पैनल चुनाव लड़ रही है उसका समर्थन करें, और नगर निगम के समस्त कर्मचारियों से अपील की है कि भ्रष्टाचारियों से पेढ़ी को बचाएं। 2009 में आरक्षित प्रगति नगर में जो जमीन स्कूल के लिए आरक्षित थी, उसमें उमाकांत काले द्वारा 20 करोड़ की जमीन को 54 लाख रुपये मात्र में बेच दी है उसको, और उसके 420 का आरोपी है। इसके खिलाफ थाना राजेंद्र नगर में 14/1/2023 को मेरे द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जो जांच के नाम से उसमें देरी की जा रही है। ऐसे भूमाफिया को, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं पेढ़ी के, उसमें इसे मत नहीं दिया जाए और अच्छे लोगों को चुनाव में जिताया जाए, जिससे आपकी पेढ़ी सुरक्षित रहेगी। रामलाल यादव जी के जो लोग उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं, जिन चुनाव में लड़ रहे हैं, उनको भारी बहुमतों से विजय बनाएं, ताकि पेढ़ी सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते हमारे इंदौर नगर शाखा की बैठक ली हमने, और उसमें सर्वमति से प्रस्ताव पारित किया कि कैलाश व्यासजी के ज़माने में जो नगर निगम कर्मचारी साख संस्था का गठन किया गया था, जो 41 करोड़ से वो पेढ़ी चल रही है, और रामलाल जी यादव इसके जब तक अध्यक्ष थे, जब तक वो पेढ़ी सफाई कर्मचारियों को और नगर निगम कर्मचारियों को लोन देती रही और उनकी हर दुख सुख का ध्यान रखा, कुछ तथाकथित ऐसे लोग उस पेढ़ी पे कब्जा करना चाहते हैं जो वो पेढ़ी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये पेढ़ी को बचाने के लिए हमारी संस्था ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है उसमें रामलाल यादव जी के नेतृत्व में जो जय हिंद पैनल लड़ रही है, उस पैनल का समर्थन करें, नगर निगम के समस्त झोनों पे और नगर निगम कर्मचारियों से और सफाई कर्मचारी वर्ग के 26 बस्ती हैं, उन बस्ती के पीढ़ी के सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूँ कि नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं अभी 23 तारीख को, उसमें रामलाल यादव जी की जो जय हिंद पैनल है उसको भारी बहुमत से विजय बनाए, क्योंकि एकमात्र वही रामलाल यादव जी की संस्था ऐसी संस्था है और ऐसे उसमें सदस्य चुनाव लड़ रहा है जो कि नगर निगम की इस पुरानी साख को और इस पेढ़ी को बचा सकते हैं, और सफाई कर्मचारियों का और नगर निगम कर्मचारियों का हित और वो पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।